लाल चौधरी, माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर रामपुरा, कक्षा पंचमी गणित। मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। कल अपनी बात हुई भिन्नों की समझ के बारे में। पहला टॉपिक था वस्तुओं के बराबर बराबर टुकड़ों में बांटना। कोई भी वस्तु हो उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, वो टॉपिक हमने कल क्लियर कर लिया। आज दूसरा टॉपिक चालू होता है कि भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना। भिन्नों को दूसरा टॉपिक है भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो अपन जो गत टॉपिक में जो पढ़ा था अपन ने, वो थी बराबर टुकड़ों में बांटना। वहाँ तक तो अपन समझ गए, सम संख्या हो तो उसको बराबर बराबर बांट सकते हैं, और वस्तु कम है और वो ज़्यादा है, लेने वाले ज़्यादा है, तो फिर दिक्कत हो जाती है उसमें। तो उसको अपन समझने के लिए संख्या रेखा के द्वारा अपन भली प्रकार से उसको आसानी से समझ सकते हैं। दो बहनें थी, उनको कन्फ्यूज़न हो रहा था कि एक सही एक बटा दो माने अपन, जैसे एक प्लस एक बटा दो, इसको अपन भिन्न के रूप में देखें तो एक और एक बटा दो मतलब एक और दो के बीच की संख्या, एक और दो के बीच का हिस्सा। तो बहनों ने मेरे सवाल किया, भाई एक और दो के बीच में जो संख्या होगी उसको क्या बोलेंगे? तो संख्या रेखा पर मैंने उनको दर्शाया, ये संख्या एक रेखा बनाई मैंने, इस पे यहाँ पर एक अंकित की, यहाँ पर दो हिस्से में बांट दिया इस संख्या को, इस रेखा को, तो यहाँ पर एक हो गया और यहाँ पर दो हो गया। बहनों से मैंने पूछा, भाई एक और दो के बीच का जो हिस्सा है, अब इसका एक और दो के बीच को दो भागों में अपन बांट देते हैं। अब एक तो पूरा हो गया, एक हिस्सा तो पूरा हो गया, एक प्लस, अब एक और दो के बीच की संख्या को अपन बोलेंगे एक बटा दो। इस प्रकार से अपन इस संख्या रेखा पर जो ये स्थान है इसको बोलेंगे एक प्लस एक बटा दो। बहनों को आराम से समझ में आ गई। हाँ, इस प्रकार से जो अपन ने जो ये टुकड़े किए वो एक सही एक बटा दो ही होते हैं। उसी प्रकार अपन आगे चलते हैं, ये तो छोटा रूप हो गया, एक और दो के बीच का हो गया। उसी प्रकार अपन दूसरा उदाहरण देखते हैं, उदाहरण दो। संख्या रेखा एक रेखा बनाई अपन ने, इस रेखा को अपन ने चार भागों में बांट दिया, एक, ये यहाँ पर दो, और ये तीन, और ये चार। अब भिन्न बनाते हैं, तीन सही तीन प्लस तीन सही तीन बटा और चार। अब इसको कैसे दर्शाएंगे? इस रेखा पर एक सही तीन सही तीन बटा चार को किस प्रकार से दर्शाएंगे? अब मोटा मोटा रूप में अपन को समझ में आ रहा है, ये जो तीन है मान लेते हैं ये तीन है, तीन तो अपने समझ में आ गया। अब आगे तीन बटा चार कैसे करें? समस्या इसकी है, तीन और चार के बीच के स्थान की। तो तीन और चार के बीच के स्थान के कितने टुकड़े करने हैं अपन को? चार टुकड़े करने हैं, तीन बटा चार में बांटना, तो चार टुकड़े करने हैं, एक एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन और चार टुकड़े हो गए। तो अपन जो ये है, ये जो संख्या है यहाँ पर जो आ जाएगी, ये तीन तो अपन ने लिखी दिया सीधा सीधा, और एक दो तीन
ये ऊपर लिख देंगे, और ये जो चौथा इस जिसके चार टुकड़े किए थे, एक दो तीन चार, चार हिस्सों में से तीसरा हिस्सा आ गया, तो ये आ गया तीन से ही तीन बटा चार। अब कुछ भैया बहनों को फिर परेशानी आई तो अपन उसको तीसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक रेखा मैंने यहाँ से बनाई, इस रेखा को छह हिस्सा में बांट दिया, एक दो तीन चार पाँच और छह हिस्सों में, ये एक ये दो दो तीन चार पाँच और छः। अब बच्चों से मैं पूछता हूँ कि इस रेखा पर पाँच सही पाँच बटा छः कैसे दर्शाएंगे? तो इसके अब बच्चे कन्फ्यूजन में हो गए, पाँच तक तो समझ में आ रहा है, अब पाँच समझ में आ रहा है तो सीधा सेट बोल देंगे पाँच सही यहाँ से एक, ये छः यहाँ आ रहा है, इसको समझ लेंगे तो, और ये ऊपर का समझ में नहीं आएगा, ऊपर क्या लिखें, अंश और हर का उनको जो समझ में आने का जो टॉपिक है उसको समझाने की, उसको क्लियर करना चाहता हूँ मैं। अब ये यहाँ पर पाँच और छः का जो बीच का स्थान है उसमें से पाँच बटा छः टुकड़े करने हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा भेद वाली बात नहीं है, इसके छः टुकड़े कर दो, ये पाँच और छः के बीच के जो जगह है इसके छः टुकड़े करने पड़ेंगे अपन को, एक दो तीन चार पाँच और ये छः टुकड़े। इसी प्रकार से जो ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा जो आएगा, ये वाला हिस्सा, इसको अपन बोलेंगे पाँच प्लस एक दो तीन चार पाँच, पाँच बटा और ये छः टुकड़े कर दिए अपन ने, इसको छः का मतलब नहीं है, छठा तो हिस्सा है, ये क्रम है छः तो, पर छः जो इसके टुकड़े हैं ना, ये है मेन बात, ये पाँच बटा छः। तो फिर बच्चों से मैंने दो सवाल मैं करना चाहूँगा, दो संख्या में देना चाहूँगा। अब पहली संख्या है, एक रेखा मैंने खींच दी है, एक रेखा मैंने खींच दी और इसके एक दो तीन चार और पांच भागों में बांट दिया, एक दो तीन चार और ये पांच भागों में बांट दिया। यहाँ पर एक दो तीन चार और ये पाँच। अब मैं पूछता हूँ बच्चों से, ये यहाँ निशान लगा दिया मैंने, ये गुब्बारा बना दिया, अब बताइए चार और पाँच के बीच में जो इनको इस संख्या को क्या बोलेंगे? तो सीधा सीधा बात है, चार तो अपन कोई भी बता देगा, परंतु जो अब ये निशान है यहाँ तक का जो ये टुकड़ा है, इसको अपन अंश क्या लिखेंगे और क्या ऊपर क्या लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे? तो चार, तो अब चार में क्या, चार प्लस प्लस तो होगा, चार और पाँच के बीच का स्थान है, तो उसमें जो वो स्थान जो बनेगा वो प्लस में आएगा, जोड़ में आएगा। तो इसमें अपन देखते हैं, इसमें समझने वाली बात यह है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है या कोई कन्फ्यूजन में वाली बात नहीं है, इस पाँच को भूल जाओ, इस पाँच को भूल जाओ, इन टुकड़ों को देखो, टुकड़े कितने हैं, एक दो तीन चार और पाँच, ये पाँच टुकड़े हैं। अब इसको छः भी कर सकते हैं अपन, छः टुकड़ों से सही समझ में आ जाएगा, पाँच ही है तो इसको छः बना दो, ये छः टुकड़े कर दिए अपन ने। अब बात आती है ये जो निशान है इसको क्या बोलेंगे अपन, बात इस प्रकार से समझनी है अपन को, इसको इस टॉपिक को अपन जो क्लियर करना चाहेंगे, तो इसको ये एक और दो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, कौन से पे निशान, तो दो को ऊपर लिख दो, लिख दिया। अब नीचे क्या लिखना है, जितने ये टुकड़े हैं, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, ये छः टुकड़े हैं। इस प्रकार से अपन भिन्नों को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, और जितना भी टुकड़ा बंटवारा अपन कर सकते हैं, पाँच बटा छः, सात बटा आठ, दस बटा
बारह, जितना भी अपन इसको जितना भी बढ़ा सकते हैं उतना अपन बंटवारा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से फिर ये इसको आगे अपन जो पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में, तो बराबर इसको ये इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। भिन्नों का प्रकार भी होता है अलग, मिश्र भिन्न और साधारण भिन्न। तो इसको जो अपन साधारण भिन्न बनाएंगे तो ये हो गया छः को इसको चार से गुणा करेंगे, छः चौबीस, और ये दो इसको जोड़ेंगे तो छब्बीस बटा छः। इस प्रकार से जो ये अपन इसका साधारण भिन्न बना सकते हैं वो अपन आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद बहुत बहुत।